महानगर में ई रिक्शा चलाने के लिए चालकों को नगर निगम से एनओसी लेना होगा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ सहित अन्य शहरों में ई रिक्शा संचालन के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसको देखते हुए जल्द ही नगर निगम के द्वारा ई रिक्शा चालकों को निगम से एनओसी लेना होगा, जिसके लिए ई रिक्शा चालकों को संचालन शुल्क जमा करना होगा, जिसको लागू करने के लिए नगर निगम की कार्यकारिणी में रखा जाएगा। इस सभी पार्षद व महापौर से बैठक करके चर्चा की जाएगी और बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे नगर निगम को आर्थिक आमदनी होगी, जिससे महानगर के सड़कों लाइट को ठीक करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, देखिए अभी लखनऊ और अन्य शहरों में जैसे ई रिक्शा संचालन के संबंध में जो एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी, नगर निगम गोरखपुर भी इस बात पर विचार कर रहा है कि हम लोग जो है ई रिक्शा के संचालन के संबंध में पहले उनको नगर निगम से एनओसी लेनी होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और उसके लिए उन्हें संचालन शुल्क जमा करना होगा। लेकिन इसके पहले चूँकि एक नई प्रक्रिया है तो इसको हम अपनी नगर निगम की कार्यकारिणी के समक्ष पहले रखेंगे और तो माननीय मेयर साहब और सभी सम्मानित पार्षदगण उनसे इस मामले में हम लोग गंभीर रूप से विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद जैसी सहमति बनेगी उसी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये ज़रूर है कि जहाँ इससे हम लोग को नगर निगम को एक अच्छी आर्थिक स्रोत प्राप्त होगा, एक आर्थिक रूप से समृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर जो इस पैसे के आय होने से जो हमारे शहर की जो विभिन्न सड़कें हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं या जो अन्य यातायात से जुड़े हुए जो अन्य चीज़ें हैं उनके रख रखाव में देख रेख करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्राप्त होगी।